अलग टाइप का बॉयलर, रिप्सा, रिप्सा बोलते हैं इसे। हे आहेत मेंदांग अंकल, ज्यांच्याकडे आज आपल्याला दुपारच्या जेवणाचे आमंत्रण होते, आणि हे राहतात नागालँड आसामवर असलेल्या एक लहानशा गावात ज्याचं नाव आहे मांगी मन। आणि दुपारच्या जेवणाच्या खरेदीसाठी आपण पोहोचलो नागालँड आसाम बॉर्डरवर असलेले फेमस संडे मार्केट, दिलाई गेट मार्केट इथे। जोपर्यंत मेंदांग अंकल खरेदी करतायत तोपर्यंत आपण हे मार्केट एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न केला, कारण इथे बऱ्याच इंटरेस्टिंग गोष्टी दिसत होत्या। ड्राई फिश तो हर जगह देखने के लिए मिल रही है। बहुत दिनों के बाद केरोसिन देखने मिला है और ब्लू कलर का है ये ना। इसमें बंगाली लोग ना इसमें कतला मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चींटी के अंडे ये कुछ अचार रखने के लिए, अचार या नमक मसाला सब रखने की चीज़ें। This one is steamed and this one is roasted. 10-10 each? Yeah. Achha, inside. There's a filling. Iske andar kuch hai. It's sweet. Nice. Ye kya hai iske andar? Kaun si chutney hai? That's til. Til means kind of a seed. Black til? Til. Kala til. Kala til. सेम विथ सेम फीलिंग है। या या पहला राइस केक जो है वो स्टीम किया हुआ था और ये तवे पे रोस्ट किया है। चबा से रहो। पानी पीना पड़ेगा आपको इसके साथ। अगर आप वो रोस्टेड वाला खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। सुपारी, दिस वन इज ड्राइड। Local hands. You know this thing, right? Okay. Kongsha. और ये सिंगी मांगुर है। हाँ, इसको बहुत डिमांड है वहाँ। यहाँ भी कलकत्ता में इसको बहुत डिमांड है। This one. Thai mangur. बांध के रखा है इसको। हाँ, बांध के रखा है। मचिंगा पट्टा और ये आउ चूसांग। ये क्रैब्स है ना, कल भी देखे थे। अच्छा, ये बैम्बू शूट है ना। ये भी बैम्बू शूट चटनी और चटनी। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता। वी कॉल इट असा। असा असा कितना दाम है उसका? 50। तत्से मतलब दीदी 450। कौन सा पत्ता पूछ रहे? बिटर लीफ। अच्छा, तामुल। एमरम जो है हम लोगों ने बात की थी, वो एमरम ही नहीं मिल रहा है, तो वो शायद से गांव में मिल जाएगा, आसपास कहीं ढूंढेंगे। ये तो 14,500। अच्छा, 14,000 का सुअर। तुम्हारा नाम क्या है? रंजीत। रंजीत रंजीत कितने साल का? रंजीत 13। वाह। ये छोटा छोटा घोड़ी लुगा तो 7.5 है और ये 12-12 तो 14.5 ऐसे में मिल जाएगा आपको। फिक्स दाम है, कुछ कम हो जाएगा? नहीं, कम मिला देगा लेने से। रोड काफ़ी ख़राब है मेंदांग तोशी अंकल के घर जाने के लिए, और इस गांव का नाम है मांगी मन। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन घर के अंदर जो बैम्बू का घर है उसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी कम है बाहर से, और इतना गर्म है कि अगर 5 मिनट भी आप ऐसे धूप में रुकते हो तो आपके पूरे कपड़े जो है पसीने से गीले हो जाएंगे। ये है ना किंग चिली किंग चिली किंग चिली का गार्डन है।
काफी इतनी लकड़ी रखने की जगह देखिए, जलाने के लिए लकड़ी काफी जमा करके रखी है। मेरे पीछे मुर्गी का घर है, बैम्बू से बना है, और ये सब मूवीज में देखा था मैंने, आज सामने दिखा है। मुर्गी लोग तो वहाँ है, मुर्गी लोग तो बाहर छोड़ा है। मुर्गी बैठने के लिए राख डाली है शायद से, इधे कितनी छान बनवल है, बाप रे। हाँ इतने अंडी घातली बगा, अंडी घातली इतने तीन अंडी है। This is the type of door in most of the Naga. Most of the Naga. हाँ double door, okay. मेरे ख्याल से double fridge का, double door fridge का idea इससे आया होगा। दाव होल्डर, हाँ हाँ हाँ, ये घर का है। अच्छा ये घर का, बाहर जाने के लिए बांधना है, बांधेंगे। ओके दाव लेके एक झोला ले लिया, एक टोपी लगा लेगा, सन प्रोटेक्शन। उसका बाद चल देगा खेत में चल देगा। हाँ बहुत ज्यादा काटे ना मचिंगापट्टा में, काफी ज्यादा काटे निकालना पड़ता है। ओके अंकल कहीं से एमरम लेके आ गए, आशा छूता था मैं। अच्छा हाँ इससे क्या बोलता है कि ये फ्रिज का ऊपर या इन्वर्टर का ऊपर लाइट का लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देता है। अच्छा लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देता है ऐसा बोलता है। हाँ अच्छा। लास्ट टाइम जो फिश रेसिपी खाई थी कुंगशा में अनिशी डाला था, तो वो अनिशी का पत्ता है, ये इससे ही बनता है ना वो अनिशी। हाँ। यम लीव्स ये मतलब पानी निकालने के लिए ऐसा स्कूप के जैसा कुछ है, चम्मच स्कूप आप बोल सकते हैं, और ये एकदम हल्का एक्चुअली लौकी का बना है। नागा तुलसी कितना अच्छा सुगंध है उसका। सो नागा तुलसी इज ऑल्सो कॉमन इंग्रेडिएंट, अलग टाइप का बॉयल है, रिप्सा बोलते इसे। मिर्चा चिली रखता है पानी में। अच्छा पाउडर डाल के ना। हाँ 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 दो। ये है फर्मेंटेड बैम्बू शूट, ये आपको हर नागा घर में मिल जाएगा। दो चार बर्तन रख सकते हैं। हाँ। एक साथ। अच्छा स्मोक से क्या होता है कि काफी दिन तक मीट अच्छा रहता है, खा सकते हैं उसे। फ्लेवर भी मिलता है। मीट का ऊपर। मीट का ऊपर अच्छा ऐसा ओके। हमारा भी ऐसा होता है लेकिन छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं था। ये काफी मस्त है, मजबूत भी है। अभी तो सब प्लास्टिक ने जगह ले लिया सारी चीजों की। अच्छा बॉइल में नागा तुलसी डालेंगे। ओके उससे फ्लेवर आएगा अच्छा। फर्मेंटेड बैम्बू शूट ये तो ऐसा ही करेगा। बस हो गया ना, हो गया ओके। चलता है ठीक है।
ये कैसे दाव का वार है एक ही इसमें। बैम्बू शूट गरम वाटर It smells so good. क्या एकदम जबरदस्त सुगंध आ रहा है इसका। सुगंध ऐसा है कि फटाफट खाना शुरू कर दो। फाइनली सारी डिशेस जो है वो टेबल पे आ चुकी है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो है नागा चटनी है। नागा चटनी के बाद बॉइल है, एक अलग तरह का बॉइल है रिप्सा जिसे बोलते हैं, और असा की चटनी है और बॉइल्ड बैम्बू शूट्स है नागा देसी मुर्गी जो है उसकी भी एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आज की भी रेसिपीज में कोई ऑयल नहीं है, किसी भी प्रकार का ऑयल नहीं। आज की रेसिपीज भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो अभी फटाफट टेस्ट करते हैं। राइस है, राइस में शुरुआत करते हैं बॉइल से, बॉइल लेते हैं। सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रीन सलाद, ग्रीन सब्जियाँ। बैम्बू शूट लेंगे, बैम्बू शूट, असा की चटनी, पूड़ी लेंगे काफ़ी तीखी है, नागा चटनी और चिकन, बैम्बू शूट के साथ चिकन, राइस और वेजिटेबल बॉइल का जूस बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब अभी तक जो मैंने रेसिपीज़ टेस्ट किया, नागा रेसिपीज़ टेस्ट किया, हर बार एक बॉइल होता है और हर बार मुझे एक अलग तरह का बॉइल मिला है। तो ये भी बॉइल एकदम यूनिक है, अलग टेस्ट है इसकी भी और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। राइस के साथ बैम्बू शूट लेते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि बैम्बू शूट भी इतना टेस्टी हो सकता है, बैम्बू इतना टेस्टी हो सकता है, लेकिन बैम्बू खाने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। बहुत ज़बरदस्त। और एक तरीका है, बैम्बू शूट जो है वो असा की चटनी के साथ खाया जाता है इस तरह से। चिकन टेस्ट करेंगे, देसी चिकन, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पका है ये। एकदम मीट जो है इजीली बोन से, हाँ बोन से बाहर निकल रहा है, एकदम टेंडर हो चुका है ये, अच्छे से मीट निकला एकदम। मेरे ख्याल से वो बैम्बू शूट जो है सब उसको फर्मेंटेड बैम्बू शूट और उस वजह से इसका ज़रा थोड़ा सा ऐसा खट्टा जैसा टेस्ट होता है ना, और बहुत अलग और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। नागा चटनी चिकन के साथ खा के देखते हैं। नागा चटनी सब कॉम्बिनेशन एकदम ज़बरदस्त है। नागा चटनी किसी भी चीज़ के साथ खाइए आप, बहुत बेहतरीन लगेगी। नागा चटनी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब मेरे ख्याल से जब कुछ नहीं होगा तो चावल के साथ भी नागा चटनी खाई जा सकती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट। पाना नाव है उस पत्ते का नाम है। मेरे को भी टाइम नहीं। पहले के जमाने में ये पहलवान अपने शरीर को बनाते थे और नेम किया करते थे और अपने शरीर को सांवरते थे। आजकल के जमाने में बहुत से भाई ने ज्यादा बिस्किट, अक्षय कुमार जॉकी शॉप है, ज्यादा पीड़ा, ये भी कोई हीरो के बाद में उस मर्द की पेशाब किरण बेदी, नहीं किरण, क्या
किरण कुमार की पांडे कांच के गिलास में इधर देखो और मर्द की पेशाब ऐसा सब यहाँ से आके मर्द बनते गए। इतनी हेल्दी रेसिपीज आज की रेसिपीज में भी हाँ आज की रेसिपीज